पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, खेल ऐसा क्षेत्र है जहां कोई हारता नहीं बल्कि सीखता है। जो हार गए उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वह पीछे रह गए, आप बहुत कुछ सीख कर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने जिस उमंग से पेरिस के लिए आपकी विदाई की थी उसी उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं। मेरे देश को थोड़ा भी खरोंच आ जाए तो मेरे देश के खिलाड़ी ये कभी नहीं चाहते। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसके लिए पूरे टीम को बधाई के पात्र हैं। यहां हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जिस उमंग से आपको पेरिस के लिए विदाई दी थी उतने ही उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। और इसका कारण ये नहीं है कि कोई मेडल का टैली कितना हुआ, उसका कारण यह होता है कि विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है, उनके हौसले उनके डिसिप्लिन उनके बिहेवियर मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं और ये सुनता हूं तो बड़ा गर्व होता है जी कि मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं। मेरे देश के नाम को रत्ती भर भी खरोच आ जाए कि मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथियों, आप सबने पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लौटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गौरव मानता हूं।